चलो बच्चों हरे कृष्ण। देखना फाइव रेड हो रहा है। चलो बच्चों हरे कृष्ण बेटा। कल सही करे हरे कृष्ण। कल हम होमवर्क दिया था, कर लिया? कल नहीं दिया था? अरे भाई कंट्रोल, समझ में आ गया? नहीं हो रहा तो करवा दूंगा अच्छी तरह से। किससे नहीं हो रहा? एक सेकंड नहीं लगेगा अभी और जिंदगी भर का कंट्रोल हो जाएगा। कल हम एक, हाँ याद आ गया, एक क्वेश्चन अधूरा डिस्कस करके ड्रॉप कर दिया था शायद, है ना बेटा? एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर थ्री हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर थ्री में सेल्स लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st of August 2011 टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2011। द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2012। तो 31st March 2012, 1st April 2011 से 31st March 2012, जल्दी से बोलो यहाँ पर। 1st August, ये प्री और पोस्ट जीपी, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा इशू है, सिंपल आइटम है। जीपी एक्सपेंस, सैलरी, रेंट, कमीशन, डेप्रिशन, इंटरेस्ट, डायरेक्टर्स, एडवर्टीजमेंट, नेट प्रॉफिट, तो वो एक नॉर्मल आइटम है। एक भी आइटम ऐसा नहीं है जो कुछ नया दिखाई दे रहा है, ऑलरेडी हम सारे आइटम डिस्कस कर चुके हैं, मैनेज कर चुके हैं। नंबर वन, सेल्स लिमिटेड इनिशिएटेड एडवर्टीजमेंट कॉम्पेन विच रिजल्ट इंक्रीज इन मंथली एवरेज सेल बाई 25% इन पोस्ट पीरियड। द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन इंक्रीज टू 30% फ्रॉम 20। नेक्स्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू बिटवीन प्री एंड पोस्ट ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ प्री प्रॉफिट ट्रीटेड। जल्दी से स्टार्ट करो फटाफट, आप लोग करोगे मैं नहीं कर रहा। सबसे पहला काम स्टेटमेंट ड्रॉ करो, टाइम रेशो, दूसरा सेल्स रेशो। मुझे टाइम रेशो कैलकुलेट करके दिखाओ, सेल्स रेशो कैलकुलेट मैं नहीं करूंगा, आप लोग सॉल्व करो और अभी मैं चेक करूंगा आप लोगों ने क्या किया प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। क्वेश्चन सामने आपके, हाँ
बेटा प्रॉपरली सारे बच्चे प्रॉपरली लिखोगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। मैंने आपको बोला मुझे दो चीजें चाहिए, टाइम रेशो और सेंस रेशो। प्रॉपर लिखकर 1:2, सेल्स रेशो, सेल्स रेशो 2:5। प्री का बताना, सेल्स 4x और पोस्ट का 10। अब निकालो जीपी, जीपी रेशो। बेटा ये प्री की सेल्स है, तो प्री की सेल में प्री जीपी पोस्ट जीपी, समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है। बेटा जीपी हमेशा सेल्स में होता है, प्री की सेल्स 4x, तो प्री का जीपी 4x मल्टीप्लाई बाय 4x मल्टीप्लाई बाय 25%, पोस्ट इंटू 30%, तो ये x 4x हो जाएगा, कितना 1x, और इस टू 3x, तो कितना हो गया 1:3। तो हमारे सामने तीन रेशियो आ गए, फर्स्ट टाइम, सेकेंड सेल्स और थर्ड जीपी रेशो। अब की बात जीपी रेशो हमें सेपरेटली काउंट करना होगा, 1:2, 2:5 और 1:3। बेटा किसी को भी डाउट हो तो पूछ लेना, हालांकि मैं एक्सप्लेनेशन दे चुका था इसका, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी बच्चे को दिक्कत हो। जिनको आ गया वो आगे निकल जाओ, जिनको नहीं आया मैं मुझसे पूछ लो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। टाइम रेशियो मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई इशू है। बेटा देखने की जरूरत क्या है, अपना दिमाग लगाओ ना, अरे गलती तो होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। लिखो एक बार, गलत हो जाएगा पूछ लेना, करेक्ट कर लेंगे। अब तक रेशो आ गए होंगे सर, जीपी रेशो। चलो अब बेटा जिसको दिक्कत है सेल्स रेशो से बात करनी पड़ेगी, जीपी रेशो से बात नहीं होगी। हाँ अब बेटा जिसको प्रॉब्लम है, यस कोमल, हाँ बेटा एकांश और कोमल आप देख लो। बेटा मैं जब भी बात करूंगा, अगर जीपी रेशो की बात करना है तो बताओ मुझे कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, सेल्स रेशो। सेल्स रेशो बेटा क्या दे रखा है बताओ सेल्स का, बाकी हाँ बच्चे अपने आप करते रहो, अगर क्वेश्चन है तो सामने बताओ क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, पूरा पोस्ट पीरियड में सेल कितना हो गया 25% से इंक्रीज हो गया, तो बताओ लेट अस अज्यूम एवरेज मंथली सेल इक्वल्स टू प्री पीरियड सेल और पोस्ट पीरियड सेल्स। बताओ प्री पीरियड कितने महीने था भैया, इसमें सेल कितना था प्री पीरियड में एक्स और पोस्ट पीरियड में 1.25x। अरे 25% पोस्ट पीरियड में बढ़ा है, तो अगर इधर एक्स है तो वहां पर 1.25x हो गया। चले आगे, प्री पीरियड समय कितना है 4 मंथ्स, ये लो, पोस्ट पीरियड 8 मंथ्स, ये लो, तो ये हो गया आपका 4x और ये 10x। तो बेटा इसको और शॉर्ट कर देंगे तो 2:5।
सेल्स रेशियो समझ में आ गया सबको बेटा? एकांश और कोमल जल्दी से बोलो, सेल्स रेशियो क्लियर है? एकांश कोमल बेटा दो बार एक्स, अच्छा अरे तो नालायक, चलो हो गया। अब आगे चलो नेक्स्ट बेटा, इसी से रिलेटेड क्या होगा? जीपी रेशो। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, अगर जीपी रेशो बताओ कांस्टेंट रहता तो जीपी बताओ किससे रिलेट करता है? सेल से। तो बताओ प्री पीरियड जीपी और पोस्ट पीरियड जीपी, जीपी किससे बाहर आएगा? सेल से। तो प्री पीरियड में सेल कितना है? 4x, पोस्ट पीरियड में सेल कितना है? 10x। ये रहा सेल्स, मैं ऑलरेडी सेल्स निकाल के बैठा हूं। अगर बेटा दोनों ही पहले कितना कमा रहा था मैं शुरू में 25%, 25%, अगर मैं बाद में भी पूरे साल कांस्टेंट रखता तो इसमें भी 25% निकालते और तो बेटा रेशो कितना आता? सेम आता या नहीं आता? 25 ही यहाँ पर, 25 ही वहाँ। तो बताओ मैंने फिर अवॉइड करके किसको हाथ बेस बना करके रखा रखा था? इसी को। लेकिन अब की बार ये 25% है और अब की बार ये 30% है, तो दैट्स वाई ये डिफर कर गया, और डिफर कर गया तो रेशो भी अमाउंट, ये कोई अमाउंट है, ये कोई अमाउंट है जो हमें नहीं पता लेकिन उसका रिलेशन पता है हमें। तो बेटा जीपी भी कुछ इस तरीके से आएगा, 1x और 3x। तो x को मैं हटा दूं तो 1:3, यानी जीपी में ये रिलेशन रहा प्री और पोस्ट में, और सेल्स में ये रिलेशन, क्योंकि जीपी का परसेंटेज बदल गया था प्री और पोस्ट में, तो बट ऑब्वियस है उसने सेल्स से अपना कनेक्शन ब्रेक करके कोई नया रेशो निकाल दिया, ठीक है ना, मैंने नए रेशो में डिवाइड कर दिया। इन द एबसेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जीपी रेशो बताओ हमेशा क्या होता है? कॉन्स्टेंट। अगर घटेगा बढ़ेगा तो क्वेश्चन मेंशन करेगा, जैसे यहां पर मेंशन किया। चलो मैं आगे, सबको समझ में आ गया होगा अब तो कोई इशू है नहीं, जल्दी से बोलो ऑनलाइन वाले बच्चों। बेटा वाई एंटर करो फटाफट बेटा, बिल्कुल मेगा सेम क्वेश्चन, वो एसएम का ही है, बिल्कुल सेम मिलेंगे, चिंता मत करो। जल्दी से क्वेश्चन कंप्लीट करो फटाफट, अब मैं आगे नहीं बता रहा, किसी को अब भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, फाइनल आंसर फिर हम मैच करेंगे प्रॉपरली। ये रहा सामने क्वेश्चन, आपको और कुछ भी नहीं करना, ये आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, आप इसे प्रॉपरली डील करो फिर फाइनली आंसर मैच करा लेंगे। बेटा लाउड एंड प्रॉपर, नहीं नहीं बेटा दो ही है, अब नहीं है नीचे, अब नीचे तो वो बोल रहा है प्री और, ये क्या हो रहा है, बस यही है खत्म। प्री और पोस्ट में डिवाइड कीजिए, फाइनल आंसर फिर मैच करते हैं। बेटा आप किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, इतने सवाल कर लिए, अब जैसा समझ में आ रहा है वैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और मैंने बार बार कहा गलत होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, तो टेंशन मत लो।
डन। तन्वी आंसर बताओ जल्दी बेटा, प्री का और पोस्ट का? प्री का 69,000, डन। 69 और 2,05,000, 69,000 हो गया सबका। हाँ हाँ अभी रुक जा करने दे। बेटा इतना समय कहाँ लगा रहे हो, जल्दी से कंप्लीट। कोई आंसर अगर आपका मैच नहीं हो रहा तो कोई जरूर थोड़ी आंसर सही हो। 6,900, मैं आंसर देख लेता हूँ, आंसर सही लिख देता हूँ मैं। बेटा आंसर ये रहा 69,000 और 2,05,000, सही है जो बच्चों ने बताया था। कुछ बच्चे गलत बता रहे तो मैं इसीलिए एक बार टैली कर लिया। ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 2,05,000। बेटा ये आपका कोमल, आपका आंसर गलत आ रहा है कोमल, दोनों आंसर ये आपके रॉन्ग है। और एक बच्चे ने 6,900, शायद मेगा बेटा आपने बाई मिस्टेक भेजा है, और बाकी आपका सही होना चाहिए। अरे जल्दी भाई, इतना ऐसे कितना समय लगाओगे? अरे नालायक, तेरे को कुछ बोला गया तू तो दिख भी नहीं रहा। हाँ हो गया, क्या हुआ बेटा नहीं आ रहा क्या था? ये देख लो एक बार जल्दी से जिसका गलत आ रहा है। पता नहीं आप, एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया एक बार में, जीपी 1,50,000 और 4,00,000, सैलरी टाइम रेशियो 40,000 और 80,000, रेंट 26 और 53, पॉइंट्स में नहीं लिखा जाता, समझ में आ गया? राउंड ऑफ करके लिखते हैं मेटरलिटी, लेकिन आप जानते हो मेटरलिटी कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट 6,000 और 15,000, डेप्रिसिएशन 833 और 16, फिर अगेन राउंड ऑफ करके लिखना है आपको। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पोस्ट, डायरेक्टर्स फी पोस्ट और एडवर्टीजमेंट पोस्ट, पता है उसने बोला था, उसने पोस्ट पीरियड में एक एडवर्टीजमेंट कॉम्पेन किया था जिसकी वजह से पोस्ट पीरियड में सेल इंक्रीज हो गया, ठीक है? तो ये 69,000 और 2,05,000, तो मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई दिक्कत है, अगर है तो पूछ लो वरना फिर मैं आगे जा रहा हूँ। एडवर्टीजमेंट बेटा लैंग्वेज पढ़ो ना, ऐसे थोड़ी, ऐसे तो फिर आपको हर चीज बतानी पड़ेगी। मैं नहीं बोल रहा, आप क्वेश्चन रीड करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर मैं क्या करूं? ये बताओ, मैंने कुछ नहीं बोला, क्या लिखा हुआ है पहली लाइन, क्या इसे पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, आप सब ये बता दो। अब आ गया समझ में? तो बेटा ये पहले ही पढ़ना था। ये बोल रहा है इनिशिएटेड एडवर्टीजमेंट कॉम्पेन विच रिजल्ट इंक्रीज इन पोस्ट पीरियड, तो साफ बोल रहा है एडवर्टीजमेंट कॉम्पेन की वजह से पोस्ट पीरियड में सेल। अच्छा एडवर्टीजमेंट का काम क्या होता है? सेल्स प्रमोशन करना, वो बोल रहा सेल्स प्रमोट हुई है पोस्ट पीरियड में, तो बट ऑब्वियस है कि ये किसे अंडरस्टूड है, ये किस पीरियड में किया हो गया होगा? पोस्ट पीरियड में। तो क्वेश्चन हिंट दे रहा है, बस हिंट ही दे सकता है आपको। आ गई बात समझ में? अगर बेटा आप लोग, मैं फिर आपको एक बात बोल देता हूँ, आपको पूछने की जरूरत नहीं, इसे एक्सप्लेन कर दो, ये पोस्ट में क्यों गया, ये प्री में क्यों गया, क्या करो बेटा? लैंग्वेज को रीड करो ना, लैंग्वेज अपने आप बता रही है। कोई भी चीज प्री में या पोस्ट में जा रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है? क्वेश्चन की लैंग्वेज।
सैलरी कुछ नहीं बोल रहा, तो जहां कुछ नहीं है वहां तो दिमाग ही नहीं लगाना, वहां आपको सब पता होगा। जब कुछ बोल रहा है तो लैंग्वेज पढ़ो अकॉर्डिंगली। मैंने आपको पहले ही कहा था सबसे बढ़िया तरीका क्या है बताओ। मैंने आपको दो तरीके एक्सप्लेन किए थे, एक 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 आइटम रीड करो और एडजस्टमेंट देखो, दूसरा तरीका पहले ही एडजस्टमेंट देख लो ना किस पर कमेंट है, किस पर कमेंट किया है क्वेश्चन ने, बोलो एडवर्टीजमेंट पर कमेंट किया है। तो जब मैं एडवर्टीजमेंट पर आऊंगा रुक जाऊंगा, एडवर्टीजमेंट पर आकर रीड करूंगा, समझ में आ रहा है? और कहीं ना कहीं बताओ आप इस चीज को क्या कर रहे हो, इग्नोर, तभी ये पोजीशन आई है, आपको पूछना पड़ा है। अगर आप इन छोटी मोटी बातों को कंसिडर नहीं करोगे तो इशू परमानेंट बना रहेगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ चीज़ों को ढंग से देखो और समझो, पहले ही डिसाइड कर लो हमें किस पर आके रुकना है, किस पर आके समझना है, बाकी जो मन में डिवाइड करते जाओ। इस पर एडवर्टीजमेंट पर अगर सोचना है, अगर इस लाइन को थोड़ा सा फोकस करके रीड करते अपने आप समझ में आ जाता पोस्ट की बात चल रही। आई होप क्लियर हो गया बेटा। इसके साथ ही क्या खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। सबको चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया? सारे बच्चे बोलो, किसी को भी कोई डाउट नहीं है बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे, सारे बच्चे जितने भी हैं वाई एंटर करो अगर सबको समझ में आया। न्यू एक्सेप्ट न्यू, जो नए बच्चे हैं उनकी बात नहीं कर रहे, आपको तो रिकॉर्डेड देखना है, दिक्कत आए तो पूछ लीजिएगा। सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया, एक एक आइटम के बारे में बात किया, लेकिन अभी भी कुछ बेवकूफियां जो मुझे नजर आई वो ये थी कि आप क्वेश्चन रीड करने में, जबकि चार लाइन का क्वेश्चन था ये, अगर 15-20 लाइन या दो पेज का क्वेश्चन हो, आई होप आप लोगों का कोई इंटरेस्ट है ही नहीं क्वेश्चन में, पता चल जाएगा। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं उन बच्चों को एड्रेस कर रहा हूँ जो ऑनेस्टी के साथ फर्स्ट टाइम में फर्स्ट ग्रुप निकालना, बोथ ग्रुप निकालना चाहते। आप लोग किस पर कॉन्सेंट्रेट करो प्लीज, ये क्वेश्चन सॉल्व करने की चीजें पैटर्न छोड़ दो, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करो। टाइम किस में लगाओ ज्यादा, सॉल्यूशन में नहीं लगता टाइम कभी भी, क्वेश्चन को समझने में टाइम देना स्टार्ट करो। आप लोग नहीं दोगे बेवकूफों की तरह बैठे रहोगे, एक एक बात मुझसे पूछने की कोशिश करोगे, मुझे बताने में कोई आपत्ति है नहीं, लेकिन उससे आपका ग्रो नहीं करोगे। वो जिस पोजीशन पर आके बैठे हो, 12th वाली पोजीशन पर हो आज आप एक प्रोफेशनल स्टडी किस लेवल पर करने आ गए, 12th के माइंड से 10+2 है आपकी क्वालिफिकेशन आज की तारीख में, उसके साथ आप यहाँ बैठे हो। तो बेटा 10+2 से कोई आपका प्रोफेशनल स्टडी हो नहीं सकती जब तक आपको माइंड अपने आप को डेवलप नहीं करोगे। तो बेटा प्लीज वो डेवलपमेंट करो आप, तो क्वेश्चन को प्रॉपरली एनालाइज करो। हर बात ये नहीं कि एक छोटी सी बात हो क्वेश्चन में और वही आप क्या करने लग जाओ, पूछने लग जाओ, तो कोई सेंस बनता नहीं है। तो ये आपकी नेग्लिजेंस शो करता है, जो मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके आप अवॉइड कर डालो। तो चलो होमवर्क नोट करो फटाफट। अब इसमें कुछ इक्का दुक्का जो रह गए वो आप देखोगे, लगभग लगभग सारे आपके एग्जाम्पल्स हो गए और सारे आपके क्वेश्चन, इसमें चार ही थे शायद, चार ही हैं, तो चार में से कितने हो गए, तीन हो गए, ठीक है ना। तो इसमें अब ये बचा कुछ है, बताओ क्या है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 4 और एग्जाम्पल देख लेना, कोई एग्जाम्पल रह गया हो तो वो आपका होमवर्क है, समझ में आ गया? वो आप लोग सॉल्व करोगे और दिक्कत आएगी तो फिर क्लास में ही पूछ लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से सॉल्व करते जाओ, दिक्कत आए एक आध जो रह गया वो देख लेना और अपने हिसाब से पूछ लेना फिर मुझसे क्लास में ही। आऊँ स्टार्टिंग में कोई पॉइंट पूछना हो वो पूछ लेना जल्दी से बेटा। बेटा 5 मिनट में दोबारा आ रहे हैं तो यहीं बने रहना आप लोग, चेंज कर देना।